हेलो फ्रेंड, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अपना ब्रांड न्यू कैमरा सोनी अल्फा ZV-E10L, जिसका प्राइस डिस्काउंट करके हमें मिला है 63,753 रुपीज़। तो सबसे पहले हमने जो है अमेज़ॉन का जो ये पैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है आपका अमेज़ॉन का ही बॉक्स है। अब तक जितने भी हमने जो है शूटिंग की है वो अपने मोबाइल से ही की है, तो हमें जो है क्वालिटी ऑफ वीडियो बनाने के लिए कैमरे की ज़रूरत थी, इसलिए जो है हमने नया जो है एक कैमरा लिया है। काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं और ये एक बजट कैमरा है, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने अनबॉक्सिंग के लिए पैकेट खोल दिया है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका जो मेन बॉक्स है उसको भी ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। वज़न जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है हमें, तो अब जहाँ पे हमने जो है पैकेट को कट कर लिया है और इसके बाद जो है अंदर देखते हैं इसमें क्या इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर सिंपली जो है सोनी का जो है बॉक्स रखा हुआ है, और सेफ्टी के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे कोई भी बबल रैप या कुछ भी नहीं दिया है। तो ये एक तो जो है इनकी पैकेजिंग की प्रॉब्लम है जो ख़राब चीज़ है, अगर आप इतना कॉस्टली जो है कैमरा ले रहे हैं तो उसके लिए एटलीस्ट इनको ये सब चीज़ जो है देनी चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कैमरे के साथ जो है इन्होंने कैमरा बैग भी दिया। अब इस पैकेट को भी जो है हम कट कर लेते हैं ताकि जो है अनबॉक्सिंग कर सके अपने मेन कैमरा की। सो ये रहा हमारा सोनी का जो है बॉक्स, इनका ये रहा आपका सोनी का बॉक्स, और इसमें आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे जो है इन्होंने 64GB की जो है मेमोरी कार्ड फ्री दी है और 2 साल की जो है इसकी आपके वारंटी दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ताकि अगर आपके कोई भी कैमरे में डिफ़ॉल्ट होता है तो आप उसको जो है 2 ईयर्स का टाइम है, आप कुछ भी ठीक करा सकते हैं। इसके बाद जो है ये बैग दिया इन्होंने जो ब्लू और ब्लैक कलर का है, इसके साथ एक स्ट्रिप्स भी है। इसको जो है हम अच्छे से कट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और इसको फिर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। बैक का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि आपका कैमरे का भी साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी वजह से जो है बैक का साइज़ सही दिया है। अब इसके अंदर देखते हैं सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। तो अगर बैक को हम इधर से यहाँ से चैन से ओपन करेंगे तो हम देख सकेंगे कि यहाँ पे जो है बैग में अंदर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ जो है आपको कैमरा रखने की ही स्पेस है। और यहाँ पे जो है आपको दिया गया है एक और छोटा सा पाउच, इसमें जो है आप अपना चार्जर या फिर जो है कोई केबल या कुछ रख सकते हैं। अब ये लास्ट बॉक्स को भी जो इसको कट करके हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो ये जब हम बॉक्स इसको यहाँ पे खोलते हैं ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ऊपर में ही जो है स्पाइडरमैन के जैसे मेमोरी कार्ड को जो है चिपका रखा है, और इसको जब अंदर यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड मिलता है, और इसके बाद जो है आपके यूज़र मैनुअल और अलग अलग जो है कागज़ होते हैं वो मिलते हैं। तो ये सबको जो है हम साइड कर लेते हैं और मेन कैमरे को अपना जल्द से जल्द जो है निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ कैमरा है और दूसरी तरफ जो है अदर एक्सेसरीज है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले जो है इसमें बैटरी दी है इन्होंने जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसके बाद जो है ये चार्जर और अडेप्टर इन्होंने यहाँ पे दी है। तो ये सबको जो है हम निकाल के साइड कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारे कैमरे की लुक कैसी है। इसके साथ जो है इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो दी है वो ये माइक दी है इन्होंने, तो आपको जो है माइक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक स्ट्रिप दी है आपके कैमरे के लिए। तो यहाँ पर हम अपने कैमरे को निकालते हैं। तो ये जो रैप किया हुआ है ये हमारा कैमरा है, कैमरे का वज़न जो है थोड़ा भारी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे के साथ जो है उनका लेंस भी लगा हुआ है। अगर आप बिना लेंस के लेते हैं, सिर्फ कैमरा बॉडी लेते हैं तो उसका दाम थोड़ा कम पड़ेगा, और लेंस के साथ लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा आपको ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लेंस है, इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है ये इसका कैप है, इसको आप ऐसे करके जो है ओपन कर सकते हैं। लुक काफ़ी इसका अच्छा और अट्रैक्टिव है, प्लस ये जो है काफ़ी साइज़ में बहुत सही है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हैंडलिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से जो है आप इसके जो है कैमरे को उल्टा भी कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है ताकि अगर आप सामने से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप जो है सामने देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है, प्लस इसको जो है आप पूरा 360 डिग्री में कहीं पर भी एंगल में घुमा सकते हैं।
सो कैमरे का आप जो है लुक देख लें, काफ़ी शाइनिंग और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव कैमरा है। और प्लस ये जो है आप देख सकते हैं हाथ में जो है ईजिली आप अच्छे से इसको ग्रैप कर सकते हैं। तो व्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, बजट कैमरा है ये। सो इसी के साथ जो है हमारी अनबॉक्सिंग इस कैमरे की कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कैमरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको जो है परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी कैमरे से जो है हम कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, कैसे इसको यूज़ करना है और इसके लिए क्या क्या अदर एक्सेसरीज हम जो है परचेज करेंगे फ्यूचर में, तो ये सारे वीडियोज़ भी आएंगे। प्लस इसके द्वारा जो हम अलग अलग व्लॉग्स बनाएंगे अच्छे अच्छे जगहों के, तो उसके भी जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो ये आपका कैमरा है जो बजट कैमरा है, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वर्थ इट है या नहीं है। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और हमें आपका सपोर्ट मिले। थैंक यू।